मुरादाबाद के दिल्ली रोड गांगन चौराहा स्थित जिला ग्रामीण विकास संस्थान पर जनपद संभल से आए लेखपालों को दैवीय आपदा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में मौजूद रिटायर्ड एडीओ एसटी एसपी सिंह द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारियां दी जा रही हैं। उनके द्वारा कहा गया कि अगर कहीं पर कोई दैवीय आपदा आती है तो उस जगह राहत के रूप में सबसे पहले हमारे लेखपाल पहुंचते हैं। इसलिए लेखपालों का दायित्व है कि वे इस प्रशिक्षण को बहुत गहनता के साथ ग्रहण करने का काम करें, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारियां मिल रही हैं वह जानकारी उनके लिए तो लाभकारी होंगी ही, वहीं इन जानकारियों से वे दूसरों की जान भी बचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के डायरेक्टर मनीष चंद्र द्वारा कहा गया कि सरकार चाहती है कि देश का प्रत्येक नागरिक दैवीय आपदा पर प्रशिक्षण ले। फिलहाल सरकारी तंत्र को इस ओर मोटिवेट किया जा रहा है और लेखपाल साथी हमारे इस ट्रेनिंग में भाग लेकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। कार्यक्रम में ट्रेनिंग दे रहे एसपी सिंह द्वारा सभी को दैवीय आपदा पर जानकारी देते हुए कहा गया है ना, तो जितने भी टाइम रहे आप हम लोगों के साथ में, तो बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ रहें। बात करते हैं आपदा की। आपदा के बारे में आप में से कोई बताना चाहेंगे क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, क्या चीज होती है आपदा, कोई बताना चाहेंगे? देखिए एक निवेदन और है, ये आपकी मीटिंग नहीं है, ये आपकी क्लास नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है, ये आपका प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण में जब आपकी तरफ से कोई चीज नहीं आएगी तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि हम जो आपको सिखाना बताना चाह रहे हैं वो आपके यहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है ना। तो यदि बात आपदा की करें तो आपदा वो विध्वंसकारी घटना है जिसमें जान माल और जलवायु पर्यावरण का अत्यधिक ह्रास होता है ना, वो विध्वंसकारी घटना है, सब कुछ तहस नहस करने वाली घटना है जिसमें आदमी की जान भी जाती है, माल भी जाता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है और जलवायु भी स्थिर होती है, जिसको हम आपदा कहते हैं।